मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। ओम शांति। आज है 23 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली बाबा के महावाक्य है। मीठे बच्चे रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे? उत्तर, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण सत्य ही हो जाता है। गीत, तकदीर जगा कर आई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओ तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों हैं, क्योंकि बच्चे जानते हैं पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया बाप ही रचते हैं। बच्चे जानते हैं शिव की जयंती भी मनाते हैं, रात्रि भी मनाते हैं। दोनों अक्षर का अर्थ दुनिया में कोई नहीं जानते। शिव जयंती अर्थात शिव का जन्म, अब यह तो मनुष्यों का जन्म मनाते हैं। शिव का जन्म तो होता ही नहीं, समझते नहीं कि जन्म कैसे लेते हैं। श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है। शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है, गाया हुआ भी है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? यह तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। यह ड्रामा में होने कारण बाप को आना ही है संगम पर। तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है, परंतु अभी तक ऐसा कोई मुश्किल ही समझते हैं। यह ओपिनियन में कोई नहीं लिखते हैं कि बरोबर परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। यथार्थ रीति कोई समझते नहीं है कि बाप आया हुआ है, स्वर्ग की रजाई का बरसा दे रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। हजारों आते हैं फिर कोई ठहरते हैं, उनसे भी आते जाते फिर घटते जाते हैं। कितने तमो प्रधान बुद्धि बने हैं जो इतनी सहज बात समझ नहीं सकते। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। कोई भी विक्रम नहीं करो, विक्रम कराने वाला है रावण। उनकी मत पर नहीं चलो, कोई को दुख ना दो। बाप आया है पतितों को पावन बनाने। बाबा कहते हैं तुम्हारा भी यही धंधा है,
रात दिन यही चिंतन करो, हम पतितों को पावन बनने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सत्व प्रधान बनेंगे। यह है अविनाशी सर्जन की दवाई, यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं, कल्प कल्प यह समझाया था। गाते भी हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य। वैराग्य किसका? इस पुरानी छीछी दुनिया का। पुरानी दुनिया में बिल्कुल पाप आत्मा बन गए हो। कहते भी हैं पतित पावन लिबरेटर आओ। लिबरेट किस से करना है? दुख से, रावण राज्य से। रावण को अंग्रेजी में ईवल शैतान कहते हैं, तो कहते हैं शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर में ले जाते हैं, बेहद का बाप सब बच्चों को खातरी देते हैं। तुमको हम जेल से छुड़ाने आया हूँ। मेले प्रदर्शनी में भी यह मॉडल रूप में दिखाया गया है, कैसे सब जेल में पड़े हैं फिर भी मनुष्य कुछ समझते थोड़ी हैं। बाप कितना सहज रीति समझाए, विश्व का मालिक बनाते हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है, कोई भी धर्म वाला समझ जाए। बताना चाहिए फलाना धर्म कब स्थापन होता है। अंत में सभी आत्माएं अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी, फिर शुरू होगा देवी देवता धर्म। ब्रह्मा द्वारा स्थापना यह लिखा हुआ है। त्रिमूर्ति का चित्र है नंबर 1, त्रिमूर्ति और गोला। इस चित्र में बिल्कुल क्लियर समझाया जा सकता है। यह भी समझाया है कि एक है शांति धाम, दूसरा है सुख धाम और यह है दुख धाम। इस दुख धाम से चाहिए वैराग्य। अब भक्ति की रात पूरी हुई, सतयुग त्रेता का दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं अब पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का वैराग्य, यह है बेहद का वैराग्य। वह सन्यासी आदि कोई नई दुनिया नहीं रचते हैं, क्रिएटर बाप है ना, उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर, हेवन स्थापन करने वाला। दूसरा कोई तो है नहीं। पढ़ाई है सत्ययुगी राजधानी प्राप्त करने के लिए। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर पतित पावन उनको ही कहा जाता है। नॉलेज कहाँ काहे का? क्या बैरिस्टर सर्जन का नॉलेज? परमात्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज है, उसमें सब नॉलेज आ जाती है। बैरिस्टरी इंजीनियरी आदि सबका मूल माखन है गॉडली नॉलेज। वह जिस्मानी नॉलेज पढ़ना इंजीनियर आदि बनना कोई बड़ी बात नहीं है, यह तो तुम जानते हो। सतयुगी नई दुनिया की जो रस्म रिवाज होगी वहीं वहाँ चलेगी। हमने जैसे कल पहले महल आदि बनाए थे वहीं रिपीट करेंगे। उसको कहा ही जाता है सतयुग। वहाँ के रस्म रिवाज को मनुष्य नहीं जानते। वहाँ कैसे हीरे जवाहरों के महल बनते हैं, वह गाए ही जाते हैं। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। जो रस्म रिवाज होगी उस अनुसार राजाई चलेगी। वह ड्रामा में नूंद है। आत्माएं अपना पार्ट बजाएंगी। मकान कैसे बनाएंगे, कैसे रहेंगे, वह सब नूंद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है असुर,
वहाँ है देवता। शास्त्रों में यह बातें कुछ नहीं है, ज्ञान और भक्ति गाते भी रहते हैं। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का ही नाम लेते हैं, विष्णु का नहीं। ब्रह्मा ही विष्णु हो जाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है कि लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म बाद यह बनते हैं। राजयोग की तपस्या करते ही यहाँ है, सूक्ष्म बतन में नहीं। यज्ञ आदि भी यहाँ रचा जाता है। बाप समझाते हैं यह अंतिम यज्ञ है, फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ नहीं होता। किस्म किस्म के यज्ञ रचते हैं, बरसात नहीं हुई तो यज्ञ रचेंगे, कोई भी दुख आता है तो यज्ञ रचते हैं। समझते हैं यज्ञ से दुख टल जाएंगे, यह तो सबसे बड़ा यज्ञ है। जिस ज्ञान यज्ञ से सारी सृष्टि के दुख टल जाते हैं, यह है राजसभ अश्वमेघ अविनाशी यज्ञ। सब इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी अच्छी रीति समझाया जाता है। दिल्ली में मंडप बनाए मेला किया है, यह भी अच्छा है। मंडप बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यह जो हाल के लिए इतना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अपना मंडप ले लो। छोटे छोटे गांव के लिए तो छोटा मंडप भी बना लो। गांव आदि में बत्ती आदि ना हो तो दिन में भी प्रदर्शनी हो सकती है, अपना ही सामान हो। लोन पर क्यों लेवे, बाप डायरेक्शन दे रहे हैं प्रदर्शनी कमेटी को, वाटरप्रूफ मंडप बना लेवे, भल बरसात पड़े हर्जा नहीं। बाबा जब दिल्ली गया था तो ठंडी में भी मंडप में जाकर भाषण करते थे। ठंडी के लिए तो सबको गर्म कपड़े हैं, प्रदर्शनी के लिए तो कितने भी मंडप बना सकते हो, कोई बिघन ना डाले। अच्छा इंश्योरेंस कर दो, सर्विस तो करनी होती है ना, समझाना भी है, बाप का पूरा परिचय देना है। अभी तो हम बाप के साथ हैं, ज्ञान सागर बाप से हमें ज्ञान मिल रहा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। बाप कहते हैं मैं सदगति के लिए आया हूँ, फिर रावण से दुर्गति होती है। सदगति दाता तो एक बाप ही है। कितना क्लियर समझाया जाता है, परंतु खुद समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं यह मनुष्यों के लिए बहुत अच्छा है, बाकी खुद समझें उसके लिए फुर्सत नहीं। बड़े बड़े लोगों को भी कितना जाय समझाते हैं, सिर्फ यह समझो कि बाप कैसे शिष्टाचारी दुनिया बनाते हैं। शिष्टाचारी बनाना बाप का काम है, तब तो बाप को पुकारते हैं, गाते रहते हैं दुख हरो सुख दो। यह भी समझते हैं बाप आएगा तो हम बलिहार जाएंगे, श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे, फिर भी बाप की श्रीमत पर चलते नहीं। मनुष्यों को तो पता नहीं भगवान क्या चीज़ है, सर्वव्यापी कह देते हैं। अरे पतित पावन भगवान तो एक है ना, वह सर्वव्यापी कैसे होगा, फिर तो सब भगवान कहलाएं। भगवान कोई छोटा बड़ा थोड़ी होता है। प्रदर्शनी में यह भी दिखाया है, कोई मांस खाते हैं कोई लड़ते हैं, क्या यह सब भगवान करते हैं। उस समय मनुष्य खुश होकर चले जाते हैं, बाहर गए फिर वहाँ की वहाँ रही, सिर्फ प्रजा बनती है। राजा बनने के लिए फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी ज़बरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफ़िकल्ट है, धर्म स्थापन करने में डिफ़िकल्टी नहीं है। वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़ी पड़ते हैं। यहाँ बच्चे कहते शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता शादी तो ज़रूर करनी है, शादी बिगैर दुनिया कैसे चलेगी। अरे
शादी ना करना तो अच्छा है ना, शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते हैं, अब जो करेगा सो पाएगा, आगे चलकर बहुत जल्दी जल्दी बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो, जैसे कल्प पहले स्थापना हुई थी वैसे ही होगी। जो दिन बीता वह कल्प पहले मुआफिक, रात को सोते हैं ख्याल चलता है, आज सारा दिन जो पास हुआ वह ड्रामा अनुसार, फिर कल जो होना होगा सो ड्रामा अनुसार होगा, सिवाय तुम्हारे और किसको भी पता नहीं कि यह ड्रामा है, उसका आदि मध्य अंत क्या है कुछ पता नहीं। तुमको मालूम है, तुम पुरुषार्थ करते हो और तो सब घोर अंधेरे में है, जो कुछ पाठ चलता है वह ड्रामा अनुसार। आज यहाँ बैठे हो और कल बीमार हो जाते वह भी कहेंगे ड्रामा अनुसार, भोगना भोगनी है, कल्प कल्प ऐसे होगा। ड्रामा बुद्धि में है इसलिए कोई फिकरात नहीं होती है, विघ्न पड़ते हैं काम में देरी पड़ती है, समझते हैं कल्प कल्प देरी पड़ी होगी, आसार ऐसे मालूम पड़ते हैं। ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत करना है, देखना है कि हम ऊपर चढ़ रहे हैं, बाबा की सर्विस करते हैं कि एक जगह पर खड़े हैं। हम कोई का कल्याण करते हैं, बहुतों का कल्याण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। इम्तिहान जब पूरा हो जाएगा फिर सब मालूम पड़ जाएगा कि हम यह पद पाएंगे। कल्प कल्पांतर की बाजी है, फिर पिछाड़ी में बहुत पछताएंगे कि हमने इतना समय पुरुषार्थ क्यों नहीं किया, बाबा की श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाबा सिर्फ कहते हैं मन मना भव, बस कितने प्यार से कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, औरों को भी रास्ता बताने की सर्विस करो, क्यों नहीं पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना चाहिए। उनको कहेंगे सयाने सेंसिबल बच्चे, पढ़ाने वाला भी समझते हैं कि यह श्रीमत पर नहीं चलते, किसका कल्याण नहीं करते हैं, तो ज़रूर पद भी कम मिलेगा। जितना बहुतों को रास्ता बताएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अपने लिए सर्विस करनी है, जो करेगा सो पाएगा, तो पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम क्यों नहीं ऐसी सर्विस करें। कहाँ प्रदर्शनी होती है तो वहाँ हाफ पेपर भी जाकर सर्विस करते हैं, कोई तो फुल पे भी छोड़कर सर्विस करते हैं। बाबा कहते बाल बच्चों के लिए कुछ चाहिए तो भेज दें, शरीर निर्वाह तो चाहे 1000 से करें चाहे 10 रुपये से करें, पैसा कोई के पास बहुत है तो लाखों रुपया भी खर्च होता है। बाबा तो कहते भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिगला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को श्रद्धा भरी प्रेम भरी नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा इस मीठी मुरली के लिए। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, सब फिकरातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल पहले माफिक। नंबर 2, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान सर्विस बा पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भाव। संगम युग पर सदा स्वयं को
डबल ताशधारी समझ कर चलो, एक लाइट अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती हैं, उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन: दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति।